50,000 की खोराबाड़ थाना क्षेत्र के कुसमही जंगल में व्यापारी से कार सवारों ने की लूट। एसपी सिटी ने कहा, मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है छानबीन, जल्द होगा घटना का खुलासा। छठ त्योहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अधिकारियों संग छठ घाटों का किया निरीक्षण। कहा, आस्था के महापर्व छठ को श्रद्धालु अपना ध्यान रखते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाएं। छब्बीस अक्टूबर को ग्राम जांगीपार में युवक की हत्या के आरोप में वांछित एक अभियुक्त अभिषेक कुमार निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कर महिलाओं की गले से चेन व पर्स से पैसों की चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्ताओं को 12 घंटे के अंदर कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक सोने की चेन व 11,000 रुपए नगद किया बरामद। एसपी सिटी ने दी जानकारी। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई सम्पन्न। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई सम्पन्न। कहा, पुलिस स्टूडेंट कैसे बेहतर सिटीजन बने इसकी सभी सब इंस्पेक्टर को दी गई जानकारी। छठ महापर्व के मद्देनजर महानगर के घाटों की नगर निगम द्वारा सफाई का कार्य अब अंतिम दौर में। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, व्रती महिलाओं को नहीं होगी किसी प्रकार की दिक्कत। महानगर में 46 घाटों पर मनाया जाएगा छठ का महापर्व। सभी घाटों पर पुलिस पीएसी एसडीआरएफ की लगाई गई है ड्यूटी। कैमरों से की जाएगी निगरानी। पानी में बैरिकेडिंग के अंदर ही मनाया छठ का पर्व। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील। छठ महापर्व को देखते हुए महानगर में ट्रैफिक का किया गया डायवर्जन। 30 और 31 अक्टूबर को कई रूटों पर गाड़ियां रहेंगी प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, एम्बुलेंस, तीर्थ यात्री वाहन व अन्य इमरजेंसी वाहनों पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। और राप्ती नदी में भी नौकायन की तर्ज पर नगर निगम के द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा बोटिंग। लोग 50 रुपए में मोटर बोट व 100 रुपए में स्पीड बोट का ले सकेंगे आनंद। एक प्राइवेट फर्म के प्रोपराइटर ने दी जानकारी।